अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। आज हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो उसमें सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो क्या है? इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये तो प्रोपोर्शन है। इसमें अब इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या कहता है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाए अगर ये बी रेशो ए हो जाए तो यहां भी ये बी रेशो सी हो जाएगा। अगर ये ए और बी आपस में इंटरचेंज होते हैं तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे सी और डी भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इधर से इंटरचेंज होते हैं तो इधर से भी इंटरचेंज होते हैं तो फिर भी ये इक्वल ही रहेगा। इस थ्योरम को, इसकी प्रोपोर्शन कायम रहेगी। इस थ्योरम को थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो कहते हैं और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी बताया जा सकता है। ए रेशो बी को फ्रैक्शन फॉर्म में ए ओवर बी लिखते हैं, सी रेशो डी को सी ओवर डी। ये रेशो की फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इसमें अगर हमने इनवर्टेंडो थ्योरम लगाना है तो ये क्या हो जाएगा, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये उलट जाएंगे बी ओवर ए तो फिर दूसरी तरफ भी हो जाएगा डी ओवर सी। अगर ये आपस में जगह चेंज करते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तो ये भी आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो इसकी प्रोपोर्शनल, इसकी इक्वेशन इक्वल पे कोई इक्वल सेम रहेगा, वही फिर भी इक्वल ही रहेंगे। तो ये है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो कि अगर ये आपस में जगह चेंज करते हैं तो इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आता। तो इसी तरह दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। दूसरा थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में अगर हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, ये प्रोपोर्शन बनी हुई है। ए रेशो बी इज इक्वल टू, जब दो रेशो इक्वल हो जाती हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ये ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये एक प्रोपोर्शन है। तो अल्टरनेंडो थ्योरम में ये होगा कि ये आपस में जगह चेंज कर देंगे, इधर से फर्स्ट ए रेशो सी इज इक्वल टू फिर सेकेंड सेकेंड बी रेशो डी, तो फिर भी इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कायम रहेगी, इक्वालिटी इसकी सेम रहेगी। क्या हुआ है, पहले पहले फिर दूसरे दूसरे, या ऐसे समय ले बी और सी को आपस में इंटरचेंज किया है, सी इधर आ गया बी इधर आ गया, या फिर ऐसे समय ले, या फिर समय ले कि पहले पहले और फिर दूसरे दूसरे, पहले पहले इज इक्वल टू दूसरे दूसरे इज इक्वल टू, या फिर ऐसे समय ले बी और सी को इंटरचेंज किया है, सी इधर आ गया बी इधर आ गया, इसको जो है ना हम बोलेंगे कि ये अल्टरनेंडो थ्योरम है। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ए रेशो बी को ए ओवर बी, इसी तरह सी रेशो डी को सी ओवर डी लिख सकते हैं। तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी अल्टरनेंडो थ्योरम लगा सकते हैं, इन दोनों की जगह आपस में चेंज करेंगे, ये ए ओवर सी इज इक्वल टू बी ओवर डी, ये आपस में इन दोनों ने जगह चेंज की है, बी ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा। तो फ्रैक्शन फॉर्म में अल्टरनेंडो थ्योरम हमने लगा दिया। तो ये थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसमें से दो थ्योरम मैंने बता दिए हैं। लेट अस स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, ये है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन हम ए और इसमें बी प्लस कर दें, ए प्लस बी रेशो बी, और इधर भी हो जाएगा सी प्लस डी रेशो डी। आपने ये याद रखना है कंपोनेंटो प्लस का थ्योरम है। तो क्या किया है मैंने, ये दोनों रेशो पहले में प्लस कर दिए हैं, ए रेशो बी सी रेशो सी प्लस डी रेशो डी, मतलब इन दोनों को एक में प्लस कर दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो ए प्लस बी, ए रेशो ए प्लस बी नेक्स्ट वाले में प्लस कर देंगे, इसी तरह सी रेशो सी प्लस डी, या पहले वाले में दोनों को प्लस कर देंगे और दूसरी वैसे की वैसे, इधर भी पहले वाले में दोनों को प्लस कर दिया और दूसरी वैसे की वैसे, या फिर पहली वाली वैसे के वैसे आगे दोनों को प्लस कर दे, इधर से भी पहली वैसे की वैसे आगे दोनों को, ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो है।
अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखना हो तो फिर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ये भी रेशो ही होती है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो यहां पे क्या होगा, यहां तो ऊपर प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी, ये दोनों ऊपर प्लस हो गया है और नीचे वैसे की वैसे, ये दोनों ऊपर प्लस हो गया नीचे। यहां फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाली वैसे की वैसे और नीचे दोनों प्लस हो गए, इधर भी ऊपर वाली वैसे की वैसे और नीचे दोनों प्लस हो गए, यहां पे ऊपर प्लस हुए हैं नीचे वैसे की वैसे, ऊपर प्लस हुए हैं नीचे वैसे की वैसे, और यहां पे ऊपर वैसे की वैसे नीचे प्लस हुए हैं। तो ये कंपोनेंटो है। इसी तरह थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, यहां पे सबसे पहले ये माइनस है, ए माइनस बी रेशो बी सी माइनस डी रेशो डी, यहां फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए रेशो ए माइनस बी सी रेशो सी माइनस डी। तो ये बिल्कुल इसी तरह, इसमें प्लस करना है इसमें माइनस करना है, वही सारी डिटेल जो ये कंपोनेंटो की है यही डिविडेंडो की है, इसमें सिर्फ क्या करना है माइनस करना है। इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, a माइनस b ओवर b c माइनस d ओवर d, या फिर इसको a ओवर a माइनस b c ओवर c माइनस d। तो ये कंपोनेंटो थ्योरम है और ये डिविडेंडो है। कंपोनेंटो प्लस का थ्योरम होता है, डिविडेंडो माइनस का थ्योरम होता है। अब इन दोनों थ्योरम का एक मिक्सचर है और लास्ट थ्योरम है, ये तीसरा था और ये चौथा थ्योरम है। तो इसी तरह इन दोनों का लास्ट वाला एक थ्योरम है पांचवा,